बालक परेशान होते रहते हैं। और आपको पता है ना कि पहले आज से 50 साल पहले कैंसर आदि का बीमारी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी तो कैंसर हो जा रहा है, तो टीबी हो जा रहा है, पान आदि खा रहे हैं तो कितने तरह की बुराइयां हो रही हैं, तंबाकू खाने तक कितनी तरह की बीमारियां बुराइयां फैलती जा रही हैं। बीमारियां भी फैल रही हैं और बुराइयां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्यों बढ़ती जा रही हैं इस पर किसी का विचार तो नहीं चलता ना। कभी मनुष्य सोचता नहीं कि आज बुराइयां बढ़ रही है, ये जरूर कहते बुराइयां बढ़ रही है, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पर उसका मूल कारण क्या है कि ये बढ़ता जा रहा है उस पर किसी का बुद्धि नहीं चलती। तो युवाओं के लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी लाइन है, स्लोगन बोला जाता है, युवा जब जग जाएगा स्वर्ग धरा पर आएगा। फिर से, युवा जब जग जाएगा स्वर्ग धरा पर आएगा। और तब कब आएगा? जब हम ईश्वर के नशे में रहेंगे तभी ये स्वर्ग धरा पर आएगा। और ऐसे बाहर दुनिया में कहा जाता है संघर्षों के सायों में असली जवानी असली आजादी पड़ती है, संघर्षों के सायों में असली आजादी पड़ती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर युवा पीढ़ी चलती है, जिस ओर युवा पीढ़ी चलती है। तो आज वास्तव में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी आज धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है और युवा ही हमारा भविष्य है, फ्यूचर है। इसके लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी भी प्रयासरत है और उन्हीं के प्रयास और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के प्रयास से ये कार्यक्रम की संगोष्ठी की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी जो भी हमारा जो एडिक्शन है तंबाकू एवं उसके उत्पाद जो होते हैं, इसमें एक तरह का नशा होता है, मूड एलिवेशन होता है। एक बार संगत में या किसी कारणवश कभी कभी लोग स्ट्रेस को, अपने जो तनाव है उसको कम करने के लिए इस तरह के नशे के आदि होते हैं, बाद में धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। लेकिन इसको छोड़ने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो दृढ़ आत्मविश्वास जो कि आदमी स्वयं बिल्डअप करेगा, और जैसा कि हमारी आदरणीय बहने जी बता रही हैं कि इसको हम करने के लिए ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हमारे शपथ है, हमारे जो दृढ़ निश्चय है उसके द्वारा कर सकते हैं। और बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी नशा को छोड़ने के लिए, डी एडिक्शन कराने के लिए कुछ हम लोग मेडिकल साइंसेस की तरफ से कुछ उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन जब तक आदमी के अंदर अपना दृढ़ विश्वास नहीं रहेगा तब तक वो करना ही संभव नहीं है। सोचता है कि आज ले लेते हैं, कल से फिर जो है इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसको छोड़ा जाएगा, लेकिन आज नहीं करना। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी इन बीमारियों से जो हमारे पर शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, शरीर का हर अंग जो है इससे प्रभावित होता है। जैसे कोई टोबैको चिमिंग करता है तो आप देखते होंगे कई जगह बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, माउथ कैंसर, BHU में एंकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जाइए, देखिए लाइन से लोग जो है, कोई अपना गमछा रख के बैठा हुआ, कोई गमछे से अपना सर ढका हुआ है, कोई कागज दबा के बैठा है, माउथ कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जब वो नीचे की तरफ जाता है हमारे आते जिसमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्राइटिस, इस तरह से बीमारियाँ होती हैं और नीचे तक जाते जाते पूरा सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसी तरीके से ये तो खाने वाली चीज़ हो गई, जो टोबैको के अलावा जो टोबैको के उत्पाद होते हैं जैसे सिगरेट है, इससे पहले बहुत छोटा छोटा हम लोग बचपन में देखते थे, लिखा रहता था सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जो नया एक्ट आ गया है उसमें अब ये आ गया है कि अगर एक भी सिगरेट आप बेचेंगे तो उसको कहीं ना कहीं से डिब्बे में रख कर बेचेंगे, खुला सिगरेट नहीं बिकेगा। और सिगरेट के पैकेट पर इस स्लोगन के साथ साथ उसमें एक ऐसी फोटो बनी रहेगी जिसको पहले देखने वाला पहले उसको अंदर थोड़ा सा भय आ जाएगा। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए मोटापा एक्ट 2003 जो है एक हमारी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि कुछ ऐसे एक्ट उसमें कई क्लास हैं 4, 5, 6, 7 जिसमें था जो मेनली जो हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर बच्चे अभ्यस्त होते हैं उनके अंदर उनके सोचने की और दूरदर्शिता की अभाव होता है, वहाँ पर उनको प्रतिबंधित कर दिया कि उस एरिया में या उसके 100 गज के दायरे में कोई दुकानदार उसको नहीं बेच सकता। इस पर कल अभी SSP साहब से लंबी वार्ता हुई,
तो उन्होंने कहा पहले मैं थानों को प्रतिबंधित करता हूँ, उसके बाद स्कूलों में प्रिंसिपल साहब के साथ एक मीटिंग करूंगा, मीटिंग करने के बाद फिर उनको उस एक्ट में इम्पावर के बारे में बताया जाएगा कि जुर्माना आप ही कर सकते हैं। कल हम लोगों ने इस एक्ट को एक्ट के लिए जुर्माना करने के लिए रसीदें पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी। खैर तो थोड़ी सी बताना चाहेंगे ना कि इसमें एक्ट भी है जिससे कि हम अगर कोई आदमी इसमें नहीं मानता तो उसको दंडित भी किया सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीने से आदमी को खुद तो गले से लेकर के फेफड़े तक का नुकसान होता है। सबसे पहले आता है कार्सिनोमा कैंसर, जिसके अलावा भी उसके अंदर सांस लेने की जो लंग की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि तरह तरह की सांस की बीमारियां उसके डेवलप हो जाती है। ये तो जो आदमी खुद पीता है, लेकिन जब धुआं छोड़ता है कम्युनिटी में तो वो भी इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन करते हैं। यानी हम लोग जो बैठते हैं कोई सिगरेट स्मोकिंग कर लिया तो उसकी जो स्मेल आती है वो हमारे श्वास के अंदर जाएगी और वो भी एब्जॉर्ब होगी, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कई तरह के नुकसानदायक केमिकल शरीर के अंदर जाते हैं जिससे कि नुकसान होता है। तो पीने वाला भी नुकसान हो रहा है, जो उसके बगल बैठा होगी इसलिए उसका भी नुकसान हो रहा है। इसलिए कोई कॉमन प्लेस है जैसे रेस्टोरेंट है, गाड़ी के डिब्बे हैं और इसके अलावा स्टेशन है और जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होती है, स्कूल के क्लासेस है, वहां पे टोटली प्रतिबंधित कर दिया गया और एक्ट लागू हो गया। हर समय बच्चों के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से, पीटीए के माध्यम से एक संदेश समाज में दिया जाता है कि इसका बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स, अभिभावक इसका सेवन न करें। इसके सेवन से क्या हानि है शरीर की, शरीर से के अलावा और परिवार के सदस्यों की, या फिर उनसे जुड़े हुए समाज के अन्य नागरिकों का। बच्चों के माध्यम से यह संदेश समाज में दिया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सारे लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमने भी पूर्व में जब अखिलेश सरकार प्रदेश में थी, मैं विधायक प्रसन्न में था, एक विषय आया था विधानसभा के अंदर, मॉल के अंदर भी वाइन शॉप खोला जाए। हमने विरोध किया, हमने कहा मॉल वह स्थान है जहां पर फैमिली के लोग जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, जहां फ्रीडम मिलती है उनको, यह नहीं खोलना चाहिए। विधानसभा के अंदर बहस हो रहा था, बहस होते होते हंसी मजाक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे अखिलेश जी ने कहा कि अरे भाई रविंदर जी, आप तो जायसवाल हैं, जायसवाल तो वाइन का कारोबार करते हैं और आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा न मैं बेचता हूँ न मैं पीता हूँ, न पीने वालों से दोस्ती है न बेचने वालों से मेरा रिश्ता है और इसलिए कहता हूँ बंद होना चाहिए। और आप तो दूध वाले हैं अखिलेश जी, आप तो दूध वाले हैं, आप कहाँ से वाइन खुलवा रहे हैं? अगर आपको खुलना ही था तो मिल्क बार खोलते, मॉल के अंदर मिल्क बार खोलते, जो मिल्क के बाई प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये बोलिए। उस विरोध के बाद मॉल के अंदर शराब की दुकान का अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उठाया विधानसभा के अंदर, गुजरात के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर पास हुआ कि रेवेन्यू कहां से आएगा। मैंने कहा कि रेवेन्यू जब उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंद होगा तब उसके बाद लान अगर बेहतर होगा, महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, जो आदिवासी घर में रखे हुए हैं ये कारोबार में आएंगे, नौकरी में आएंगे। शाम को ढलने के बाद जो भय का वातावरण खत्म हो जाएगा, हमारे उद्योग लगेंगे, धंधे लगेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, रेवेन्यू वहां से इकट्ठा किया जाए। हम इस रेवेन्यू से अस्पताल में पुलिस में खर्चा कर रहे हैं, शराब पीने के बाद झगड़े होते हैं तो खर्चा होता है पुलिस विभाग पर, झगड़े होते हैं तो खर्चा होता है अस्पताल पर, हम दो खर्चे को बचा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बंद होना चाहिए। मैंने पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जी की मूर्ति के पास कचहरी पर उपवास बैठा था,
तो उत्तर प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, शराब पर और नागवेश पर, दोनों मेरी मांग थी। शाम तक हुआ, हमारे पत्रकार मित्र हैं, कहे विधायक जी कहां आप लोग जाते हैं ये बताइए, आपके क्षेत्र में अधिकांश लोग शराब वाले हैं, जो ठाकुर जाति के लोग हैं अधिकांश लोग वहां पर नॉनवेज खाते हैं, और आप नॉनवेज और शराब प्रतिबंध लगवा देंगे तो कौन आपको वोट देगा। तो हमने कहा कि मुझको हारना कबूल है, ऐसे लोगों का हमको वोट नहीं चाहिए जो शराब के आधार पर और नॉनवेज के आधार पर वोटिंग करते हूं। मैं आग्रह करना चाहूंगा आज इस दिवस पर ब्रह्मा कुमारी से हमें संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग देश के जो विदेशी कल्चर हमारे ऊपर हावी है उससे मुक्त करने के लिए अपने आप को घर से बाहर निकल करके अगर आप सन्यासी की भूमिका निभा रही है तो आप सब लोग शहीद होने की भूमिका में तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को शराब से मुक्त करने के लिए आने वाले को तिथि पर प्रदेश व्यापी हम सब लोग उपवास बैठा जाए और ये मांग किया जाए उत्तर प्रदेश शराब से मुक्त किया जाए। इसको बंद करना चाहिए सरकार को, जैसे बिहार में बंद हुआ है वैसे यूपी में बंद होना चाहिए। ये आवाज का मुकाम है, हमारे भाई जब हम बोल रहे सो रहे होंगे और हमने कहीं न कहीं आपको माइक की आवाज दी हमारे यात्रा तक। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगे, मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था, मैंने उपवास बैठा था, तो या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, आज आप सो रहे होंगे, ये बंद होना चाहिए, ठीक है ना। बूथ चुनाव में ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ये मतलब पूरे देश से इस जड़ से समाप्ति हो जाए, इसका पूरी तरीके से खात्मा हो जाए, मतलब इससे इंजर्ड होता है, मतलब शरीर से बहुत हानियां हैं, काफ़ी प्रभावशाली है जो कि हमारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है, हमारे शरीर को तो शरीर के साथ साथ हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देता है। मनुष्य क्या है, अभी क्या है, अज्ञानता में है, ठीक है। ये ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ये संदेश दे रही है कि अपने अंदर पांच विकार जब हम खत्म करेंगे, जब अभी हम देवी देवता बन कैसे बनेंगे, देवी देवता तभी बनेंगे जब इन सभी गंदी आदतों को जब छोड़ेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू क्या है, उसका सबको ज्ञान है, लेकिन क्या है फिर भी आदमी उसको खा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी ही हानि हो रही है। तो ये परमात्मा का संदेश है कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए अपने आप को पहले संपूर्ण बनो, अर्थात शुद्ध बनो, शुद्ध बनेंगे तभी इनसे अपने आप को संबंध सब संबंध जोड़ पाएंगे।